शीश पर ग्लेशियर से जो पानी का अखराज हो हुआ था कल रात से जारी था, तो आज इसके बहाव में इजाफा हुआ है और इजाफा होने की वजह से यहाँ जो शहराए कराकोरम का जो अहम पुल था यहाँ हसनाबाद के मुकाम पे, वो पुल पानी के जद में आ चुका है। यहाँ पे हमारे हंजा के डिप्टी कमिश्नर जनाब उस्मान अली साहब है, तो इनसे बात करते हैं कि इस पुल की जो नुकसान हो गए इसके वजह से मुतबादिल रास्ता और दूसरा सयाहों की पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुबह फ़र्स्ट टाइम जब हमें पता चला कि ग्लॉफ का इवेंट हुआ है और ये पानी का खराज होना शुरू हुआ है, तो हमने इसका जो अल्टरनेटिव रूट है केकेएच का, वो है गणेश ब्रिज से नगर से होता हुआ शायार ब्रिज मुर्तज़ाबाद में। तो सुबह से ही हमने ट्रैफिक डाइवर्ट करनी शुरू कर दी थी सयाहों को और जो दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, दूसरी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हमने स्टाफ भी डिप्यूट किया है। जो हमारे SP साहब हैं उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को और दूसरी पुलिस को वहाँ डिप्यूट किया है ताकि सयाहों को, बाकी अफराद को इस किसी किस्म का कोई इशू ना आए। सेकेंडली अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक दफ़ा ये रेला निकल जाए, उसके बाद जो डैमेज असेसमेंट हम साथ साथ करते जा रहे हैं। जितने भी लोग इस स्ट्रीम के ऊपर थे जो कि वल्नरेबल थे उनको हमने मूव कर दिया है, विंटराइज टेंट्स दे दिए हैं, राशन प्रोवाइड कर दिया है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं है, फर्द ऐसा नहीं है जो कि रिस्क पे हो। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हमारी, वो सारे डिपार्टमेंट के हेड यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेले के साथ जितनी भी आबादी है वो सारी सेफ है, उनकी जानो माल का तहफ़ हम कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। हमने लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया है, रीजनल काउंसिल को इंगेज किया है, अपने लम्बरदार साहिबान को इंगेज किया है ताकि इन्फॉर्मेशन भी फैलाएं। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी कोई ट्रैफिक इस वक्त इधर से मूव नहीं कर रही, आवाम भी घरों में है, उनको अगर कोई इशू है उसके साथ हमने उनके साथ अपना जो कंट्रोल के नंबर शेयर किए हुए हैं। एक जगह हेल्थ का कहीं इशू आया है, वहाँ पर हमने DHO के थ्रू गाड़ी मूव की है, बच्चों की छुट्टी हुई है, गाड़ी मूव करके दूसरे रास्ते से उनको उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। तो जो भी इशू है उसमें हम यहाँ मौजूद हैं, आवाम की हम मदद के लिए। झील में सर, अभी आपको पता है झील में कितना पानी रह चुका है और कितने कैसिक आउट हो रही है इस वक्त? जी सुबह जो हमारे पास, क्योंकि वेरी कर रही है इस वक्त, वेलोसिटी ज़्यादा है, Q6 का फ्लक्चुएट कर रही है 3000 से 5000 के दरमियान, 6000 भी हो जाती है, और ये वेलोसिटी की वजह से इतना डैमेज आया है। इस वक्त हमारे पास, क्योंकि आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये इसमें ढलान आ चुकी है, तो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट ब्रिज FW का मौजूद है। जैसे ही रेला निकलता है तो इसी पे ही हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। वो डिपेंड करता है अबेटमेंट्स पे, अगर तो अबेटमेंट्स ये रेला सारी साथ ले जाता है तो उसमें हमें हफ्ता लग सकता है, अगर अबेटमेंट्स साथ नहीं लेके जाता अबेटमेंट्स बच जाती हैं। अब पार्क जाओ, सर।